हेलो गाइस, देर इज समथिंग जो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे, लगभग सभी बच्चों को ऐसा होता है कि सर एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सब चीजें भूल रहे हैं, याद करें तो याद नहीं आ रही है। एक बात सुनो, अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो समझ लो तुम सही ट्रैक पे चल रही हो, क्योंकि डर है ना हर किसी को लग रहा है। इस बार का जो फर्स्ट रैंकर भी आने वाला है ना, डर उसको भी लगता है। अपन टेंथ का एग्जाम भी देते, ट्वेल्थ का भी देते, तो भी डर लगता था। और ये तो सीए फाइनल है, सीए इंटर जितने भी बच्चे हैं उन सबको डर लग रहा होगा। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि हमें डर लग रहा है, बिकॉज वो सबके साथ होता है। जिसकी फर्स्ट रैंक भी आएगी, जिसकी कोई भी जो भी जितने भी लोग पास होंगे सबको भी डर लग रहा होगा, ठीक है। तो ये तो सेकंड थिंग क्या होता है, जब हम ज्यादा इस चीज को दिमाग में लेते हैं ना कि हमें डर लग रहा है, हम भूल रहे हैं, तो वो चीज एक्चुअली में हो जाती है, हमें आती हुई चीजें भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है स्पेशली अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जाएंगे। लेट्स सपोज कॉस्टिंग का पेपर है, जिसको एस सी एम पी भी बोलते हैं, ठीक है, पुराने कोर्स वाले ए एम ए। उसमें क्या होता है, स्पेशली जो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा वही आ जाए। तो अगर आपका माइंड एकदम डरा हुआ होगा, या आप लोग सोच के आए होंगे ना कि तो मुझे आ नहीं रहा है या फिर मैं सब भूल गया, तो आप उसको कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बाकी अगर आप एकदम पीसफुल माइंड से जाओगे ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, एक बार आपने अपनी स्टडी माइंड वगैरह सब क्वेश्चन निकाल रखे हैं ना, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। वो होता है सिर्फ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर। आपको क्या करना है, जब भी आप पेपर देने जाओ ना, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर, स्पेशली फर्स्ट पेपर के दिन ज्यादा डर लगता है, ठीक है। क्या होता है, ऐसा सोच के देखो कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा मेरे को आता है। अब आता है या नहीं आता, सोचने से क्या होगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा। और बोले कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब ऐसे ही हैं जो हूं मैं हूं आज, तो ठीक है, आज मुझे तोड़ के जाना है यहां से, जो भी करके जाऊंगा आज तो मैं ही निकाल के जाऊंगा। जितने भी लोग बैठे ना, अगर यहां पे दो भी पास होंगे, एक भी पास होगा, तो मैं जरूर पास होऊंगा, भले ही उस लेवल की प्रिपरेशन हो या नहीं हो, पर एक कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस से बड़ी बड़ी चीजें निकाली जाती है। तो और कितना भी पढ़ रखा हो आपने, कई बच्चे सिली मिस्टेक्स वगैरह किस लिए होती है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होती है, डर जाते हैं हम लोग। तो आपको वो कॉन्फिडेंस रखना है। अब वो भले ही कॉन्फिडेंस आपको लग रहा हो कि मैं गलत रख रहा हूं, कोई बात नहीं, रखो। इससे क्या होता है, मान लो आ रहा है हमें 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, उस पेपर में भी आप 40 स्कोर कर जाओगे कि आराम से, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होता है चीजें। तो बस एक होती है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है ना, अगर तो हम इजीली चीजों को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, क्रक्स ये है कि डर लग रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, डर हर किसी को लगता है। तो आप ऐसा नहीं, आप नॉर्मल हो, अब नॉर्मल नहीं हो, एक गुड अच्छी चीज है। सेकंड चीज, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो, बिल्कुल लगेगा जब डर लगेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लगेगा हम सब बोल रहे हैं, सोचो हमें सब आता है, सब आता है, एकदम शांति से बैठो। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हमने हमारा लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई जिंदगी तो चली जाएगी नहीं, ठीक है। तो इस चीज को इतना हैवी क्यों होने देना है, एकदम नॉर्मल रहो। अभी इस पहले बच्चों के डाउट्स होते हैं, सर एग्जाम्स होंगे कब, होंगे कब नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब डाउट्स होते हैं, सर बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा सर, सब कुछ भूल रहा हूं सर, क्या करूं क्या नहीं करूं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। बहुत नेचुरल है, हमारे साथ भी होता था, मेरे साथ भी होता था, और जितने भी लोग अभी बैठेंगे जिनका रैंक भी आएगा और पहले भी रैंक आया हुआ होगा, सबके साथ ही होता है। तो एकदम चल रहने का, एकदम चल रहो, ठीक है। बस ये सोचो, मैंने सब पढ़ा है, मैंने कोई चीज छूट भी गई हो, टेंशन नहीं, बोले अभी तक मैं जो पढ़ के गया हूं इसमें से मैं आराम से नंबर ले आऊंगा। और कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि अगर पेपर छूटता है ना, तो फिर मान लो 70 मार्क्स का पेपर करते हो, 80 मार्क्स का पेपर करते हो, फिर नंबर उसी में से आएंगे, चांसेस कम हो जाते हैं। भले इनके मान लो 20 मार्क्स का तुमने कुछ गलत भी अटेम्प्ट करा, तो हो सकता है उसमें से कुछ नंबर आ जाए। तो बस जाते ही ये कोशिश करो कि भी जाते जैसे स्पेशली कॉस्टिंग वगैरह का पेपर होता है, बहुत लंबा आता है, तो जाते ही मतलब पेन रुकना नहीं चाहिए, दमादम शुरू कर दो। और पेपर जो 15 मिनट्स मिलते हैं ना, उसको कभी वेस्ट मत करो। कई बच्चे सेंटर के बाहर खड़े रह के बुक्स लेके पढ़ते हुए मिलते हैं, तो वो तो कभी वेस्ट मत करो, वहां से एक क्वेश्चन निकाल लिया जाता है 15 मिनट से। तो कुछ स्पेशल टिप्स थी, स्पेशल मैसेज था मेरा जाते जाते। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी, मुझे पता है यू ऑल विल रॉक, और IDT और DT के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।